नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सिंपल नोट्स एप्लीकेशन। तो हमारी एप्लीकेशन कैसी होगी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारी एप्लीकेशन जिसको अभी हम बिल्ड करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर वो दिखा देता हूँ आपको। तो पहले आप देखते हैं, यहाँ पे पहले से 3 नोट ऐड हैं। आप चाहे तो और नोट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे मेन्यू में, क्लिक करेंगे ऐड नोट पे, नई एक्टिविटी आप यहाँ पे खुलेगी। यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करेंगे, ऐड नोट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया नोट यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड हो चुका है। दूसरी चीज़ जो आप इसमें कर सकते हैं वो है कि आप अपने नोट को एडिट कर सकते हैं। लाइक मैं इस सेकंड नोट को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक नई एक्टिविटी खुलेगी, यहाँ से मैं कुछ भी इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको जे जे कर देता हूँ, फिर क्लिक करूँगा सेव नोट पे, तो हमारी चेंज होकर जे जे में चेंज हो चुकी है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें कर सकता हूँ वो क्या है, वो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं इस डिलीट बटन में क्लिक करूँगा तो आपके पास एक अलग डायलॉग अपीयर होगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस नो या नो आपके ऊपर है। तो मैं येस करता हूँ तो डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये डिलीट करने का क्या है कि मैं इस पर लॉन्ग क्लिक करूँगा तो दोबारा से ये अपीयर होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ये यस या नो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है जिसको हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान सी चीज़ है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा एक बार खुद से इंप्लीमेंट करें अगर आपको सब कुछ चीज़ें आती हैं। तो ये बार बता दूँ आपको क्या क्या हमने यूज़ किया। हमने इसमें शेयर प्रेफरेंस का यूज़ किया नोट्स को सेव रखने के लिए। सेव से मतलब क्या है कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नोट्स जो मैंने ऐड किए थे वो डिलीट हो जाएंगे। अब मैं दोबारा एप्लीकेशन खोलूँगा, लाइक मेरी एप्लीकेशन है, तो आप देखेंगे वो नोट आपको एग्जैक्ट सेम मिल चुके हैं क्योंकि वो आपके फ़ोन में सेव हो चुके हैं। बेसिकली वो शेयर प्रेफरेंस की मदद से हमने उसको सेव कर लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें यूज़ किया वो है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू का यूज़ किस लिए होता है आपको पता ही है, मैंने इसको लिस्ट आइटम दिखाने के लिए रिसाइकलर व्यू का यूज़ किया है। तीसरी चीज़ जो मैंने इसमें यूज़ किया वो है ऑप्शन मेन्यू का, कि ऑप्शन मेन्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑप्शन आपको ऑप्शन मेन्यू आपके पास ऐड नोट का ऑप्शन आ रहा है, ये इसको ऑप्शन मेन्यू कहते हैं। तो ये थी। और चौथी चीज़ जो थी इसमें थी वो है अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग जो आपका डिलीट करने पे आपके अपीयर हो रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लाइक बैक जाता हूँ एक बार, इस पर डिलीट पे क्लिक करूँगा तो जो डायलॉग अपीयर हो रहा है इसको अलर्ट डायलॉग कहते हैं। ये चौथी चीज़ थी जो इसमें हमने यूज़ करी है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर मेरी पहले से वीडियो है, तो अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से समझाया उसमें मैंने। और अगर आपको आते हैं तो आप इस वीडियो पर प्रोसीड कर सकते हैं या फिर एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और बनाते हैं अपनी नोट्स की एप्लीकेशन। तो सबसे पहले काम जो आपको करना है वो जाना अपने ग्रेडर फाइल में और कुछ डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। मैंने पहले से कॉपी पेस्ट कर रखी है। तो ये 3 डिपेंडेंसी मैंने जो भी ऐड करी है, इनमें से पहली है रिसाइकलर व्यू की। पता है आपको रिसाइकलर व्यू का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम अपनी आइटम डिस्प्ले करने के लिए रिसाइकलर व्यू का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी है कार्ड व्यू की, क्योंकि हर आइटम में कार्ड होगी तो उसको कार्ड व्यू के अंदर डालेंगे हम उसको। और तीसरी जो चीज़ है वो शायद थोड़ी नई हो आपके लिए या फिर आप जानते भी हो काफ़ी लोग इसके बारे में, तो यह है मटेरियल डिज़ाइन की। बेसिकली गूगल की मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी है, इससे आप अपना लेआउट डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। और आपको रिकमेंड करूँगा कि अब जो आप बेसिक डिज़ाइन से है इस मटेरियल डिज़ाइन पर शिफ्ट कर जाएँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे फीचर्स है जो गूगल ने इसके अंदर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं अपनी मेन एग्जाम्पल फाइल में। यहाँ पे अपना रिसाइकलर व्यू डिस्प्ले कराना है, बेसिकली बेसिकली अपनी सारी आइटम्स डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस टेक्स्ट व्यू का सेट आ देते हैं, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर लेंगे लीनियर लेआउट में, लीनियर लेआउट। ओरिएंटेशन सेट कर लेता हूँ मैं इसकी, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको डिस्प्ले कराना है रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू, तो हमारे रिसाइकलर व्यू यहाँ पे आ चुका है। इसकी विड्थ रखते हैं मैच पेरेंट, हाइट रखते हैं रैप कंटेंट। आईडी मैं इसे सेट कर देता हूँ, आईडी मैं इसको देता हूँ RV, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं। एक काम यहाँ पे कर लेते हैं, हम पैडिंग दे लेते हैं थोड़ी लीनियर लेआउट में। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पैडिंग 20 dp। तो ये काम भी हमारा हो चुका है। अब जाते हैं मेरी एक्टिविटी फाइल में और रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू RV, इसको रेफरेंस देंगे RV इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट RV, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जब हम सिंपल स्ट्रिंग ही डिस्प्ले करानी है तो हम लिस्ट व्यू का यूज़ क्यों नहीं कर रहे। देखिए हम सिंपल स्ट्रिंग मेरे केस में अभी डिस्प्ले करा रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, पर आप चाहे तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिसाइकलर व्यू सही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, हमने ये दे दिया रेफरेंस दे दी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिसाइकलर व्यू की हर आइटम कैसे विजिबल होने वाली है बेसिकली, उसके लिए लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसको हम आइटम व्यू कहते हैं बेसिकली। तो लेआउट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नेम देंगे, मैं नेम दे रहा हूँ आइटम व्यू, ठीक है। बेसिकली हमारी ईच आइटम कैसे दिखने वाली है उसका व्यू है ये। अब स्प्लिट व्यू में जाएंगे, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर लेते हो बस लीनियर लेआउट में, लीनियर लेआउट। ओरिएंटेशन वही वर्टिकल कर लेते हैं इसकी, ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो
सबसे पहले अपनी हमारी आइटम में कार्ड व्यू होगा, उस कार्ड व्यू के अंदर ही सब कुछ होगा हमारा। तो कार्ड व्यू की विड्थ रखता हूँ मैं, मैच पेरेंट हाइट रखता हूँ, रैप कंटेंट, कार्ड का कॉर्नर रेडियस सेट कर लेते हैं 5 dp, बैकग्राउंड कुछ सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड के लिए फिलहाल मैं कार्ड व्यू लाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। और अब इस कार्ड व्यू के अंदर हमें एक लीनियर लेआउट डालना है, इसके अंदर हमारी सारी आइटम स्टोर होगी। बेसिकली लीनियर लेआउट, जिसकी विड्थ मैं रखूंगा, मैच पेरेंट हाइट रखूंगा मैं, रैप कंटेंट, आईडी देने की हमें जरूरत नहीं है, ओरिएंटेशन दे देते हैं इसकी, ओरिएंटेशन की हमें हॉरिजॉन्टल रखनी है, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं ओरिएंटेशन को, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अब इस लीनियर लेआउट के हमारे पास दो एलिमेंट होंगे, एक हमारा टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर हमारा नोट डिस्प्ले होगा, और एक वो डिलीट वाला आइकन जिसके लिए हम इमेज व्यू का यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट व्यू के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा टेक्स्ट इनपुट लेआउट, टेक्स्ट इनपुट लेआउट। बेसिकली आपको ऐसे टेक्स्ट व्यू दिखाना तो इसकी जरूरत नहीं आपको, तो टेक्स्ट व्यू ही सिंपल दिखाते हैं हम। टेक्स्ट व्यू कहाँ गया हमारा टेक्स्ट व्यू भाई, हाँ टेक्स्ट व्यू आ गया हमारा, जिसकी विड्थ अभी मैं रख रहा हूँ 0 dp, हाइट में रखता हूँ इसकी रैप कंटेंट, आईडी में इसको देता हूँ, आईडी में इसको देता हूँ tv_note, क्योंकि हमारा बेसिकली नोट दिखाने वाला है, टेक्स्ट व्यू नोट में इसको आईडी दे दी। इसका वेट कर देता है लेआउट वेट, इसको मैं देता हूँ 3, ठीक है, लेआउट वेट मैंने 3 दे दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज व्यू ऐड करेंगे, इमेज व्यू जिसकी विड्थ कितनी होगी 30 dp सेट करें विड्थ इसकी, अभी विड्थ इसकी रहने देते हैं हम 0 dp करते हैं विड्थ इसकी, हाइट में से कर देता हूँ 30 dp, और वेट में से कर देता हूँ 0.8, ठीक है। तो मतलब जो हमारा टेक्स्ट व्यू है और जो इमेज व्यू है वो 3:0.8 की रेशियो में साइज हमारा जगह हमारी कैप्चर करेंगे। सोर्स अभी इसका मैं सेट करूंगा, आईडी और देते हैं इसको आईडी IV डिलीट, तो मैंने इसको आईडी दे दी IV डिलीट, इसको कर देंगे क्लोज। इसके लिए सोर्स के लिए हमें एक आइकन लेना है, तो उसके लिए जाएंगे ड्रॉएबल फोल्डर में, राइट क्लिक करेंगे न्यू वेक्टर एसेट, क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे डिलीट, पहला वाला आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ओके पे, इसका कलर मैं चेंज करके रेड कर ले रहा हूँ, चूज पे क्लिक करूंगा, इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ मैं, इसे नाम मैं कर देता हूँ डेल, और फिर मैं क्लिक कर दूंगा, ये साइज भी चेंज कर लेते हैं 30x30 कर लेते हैं, नेक्स्ट फिनिश। तो हमारा ड्रॉएबल में वो आइकन क्रिएट हो चुका है बेसिकली। अब इसे यहाँ पे सोर्स में उसको डालते हैं, तो @ ड्रॉएबल डेल, तो अब बेसिकली यहाँ पे आ चुका है, तो एक काम हमारा हो चुका है। अब हमें एक चीज़ और करनी है, लीनियर लेआउट में पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग 10 dp, तो एक काम हमारा हो चुका है, हाँ बस इतना ही था। अब हमें क्या करना है, हमें अपने साइक्लर व्यू का अडेप्टर डिजाइन करना है, तो उसके लिए जाएंगे यहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट नोट्स में, न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा क्लास अडेप्टर के लिए मैं नाम दे रहा हूँ RP अडेप्टर, कुछ और नाम भी दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लिक करेंगे ओके पे। तो हमारी अडेप्टर क्लास है, इसको एक्सटेंड करेंगे रिसाइक्लर व्यू डॉट अडेप्टर से, डॉट अडेप्टर से, ठीक है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया रिसाइक्लर व्यू डॉट अडेप्टर से। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर बनानी है एक व्यू होल्डर क्लास जो हमारे व्यू को होल्ड करेगी, तो क्लास व्यू होल्डर जिसको मैं नाम देता हूँ व्यू होल्डर, ये भी एक्सटेंड करेगी, ये किसे करेगी, रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, इस पर देखते हैं क्या एरर है, तो ये कह रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, कर देते हैं भाई, तेरी छपोरी करेंगे। और इस अडेप्टर में अब हमें इस व्यू होल्डर क्लास को पास करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर, तो हमने पास कर दिया इसके अंदर। अब हमारे पास एक बार ये दोबारा से एरर दिखा रहा है, इस पर दोबारा से देखते हैं, तो ये कह रहा है कि मेथड इंप्लीमेंट करो, ये भी कर ले भाई तू, क्लिक करते हैं ओके पे, तुम्हारे मेथड भी इंप्लीमेंट हो गए। अब अपना सबसे पहले व्यू क्रिएट करते हैं, तो यहाँ में क्या करना है, हमारे व्यू के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक हमारा टेक्स्ट व्यू है और एक हमारा इमेज व्यू है, तो उन दोनों के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो टेक्स्ट व्यू इसको नाम देता हूँ मैं टेक्स्ट TV, और इमेज व्यू इसको मैं नाम देता हूँ IV, रेफरेंस देते हैं इनको दोनों को। तो टेक्स्ट व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID रिसोर्स डॉट आईडी डॉट टीवी नोट, जो हमने उसको आईडी दी थी वही हम यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह इमेज व्यू के लिए करेंगे हम IV इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट IV डिल, तो हमारी दो हमारी जो हमने ऑब्जेक्ट हमको रेफरेंस दे दी है। अब आपको क्या करना है, जो आपका डाटा डिस्प्ले कराएंगे वो हम एक एरे लिस्ट से कराएंगे, बेसिकली एक नोट्स की पूरी एरे लिस्ट होगी, तो यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एरे लिस्ट नोट, बेसिकली स्ट्रिंग टाइप किया वो स्ट्रिंग नोट्स, ठीक है, अल्ट एंटर करके इस एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, ठीक है। अरे क्या कर रहा भाई,
ये कहीं भी चल जाता है यार। अरे लिस्ट हमारी नोट्स की बन चुकी है। गेट आइटम काउंट में हमें क्या करना है, हमें नोट्स का साइज देना है। तो नोट्स हमारे जो एरे लिस्ट है उसका साइज रिटर्न करेंगे हम। जैसे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में अपना व्यू क्रिएट करना हमें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर का। तो सबसे पहले लेआउट इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लेआउट इन्फ्लेटर इन्फ्लेटर इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, कंटेक्स्ट में हम क्या पास करेंगे, पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट, ये मैंने पास कर दिया इसको। अब इस इन्फ्लेटर से हम अपना व्यू बनाएंगे। तो व्यू वी इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, रिसोर्स में आपको पास करना अपना आइटम व्यू। तो रिसोर्स डॉट लेआउट डॉट आइटम व्यू। और दूसरी चीज़ जो आपको पास करनी है वो है पेरेंट, और फिर आप पास करेंगे फॉल्स। तो इससे हमारा व्यू हमें पास क्रिएट हो गया। अब इस व्यू को हम पास करेंगे अपने व्यू होल्डर क्लास को। तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यू व्यू होल्डर, और पैरामीटर में आप पास कर देंगे वी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यू होल्डर वाला मेथड है, इसके पैरामीटर में व्यू आइटम व्यू है, ये वही व्यू हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर में क्या करना है कि आपको अपने हर आइटम पे आपका वो डिस्प्ले कराना नोट जो आपके पास है। तो उसके लिए क्या करेंगे, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू, हमारे टेक्स्ट व्यू का नाम टीवी है, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट, ये क्यों नहीं ले रहा है इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट। अभी क्या किया हमने कि यहाँ पे मिस्टेक करी है हमने, यहाँ पे देख सकते हैं अभी यह गलत लिखा हमने, इसको बैक करते हैं दोबारा से, क्योंकि हमें ये अपना अपने वाला व्यू होल्डर का पास करना है जो हमने अभी क्रिएट करी है। जैसे अकेला व्यू होल्डर व्यू होल्डर थोड़े पास करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आर वी अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। अब दोबारा से एरर दिखाएगा क्योंकि मेथड दोबारा से इंप्लीमेंट करेगा, तो इस वाले को हमें हटाना होगा यहाँ से। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अब हमें पेस्ट करना है दोबारा, इसको कंट्रोल सी कर पेस्ट कर लेते हैं और फिर हटा देते हैं इसको। अब इस पर जाएंगे, इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे ओके पे, ठीक है। तो हमारे मेथड दोबारा से आ चुके हैं यहाँ पे, उसको पेस्ट कर देंगे जो भी हमने कॉपी किया था, ये वाला लेआउट इन्फ्लेटर वाला पार्ट हमारा। और अब हमारे लिए सब कुछ सही है। तो अब होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, क्या सेट करना है हमें, हमारी नोट्स वाली लिस्ट में जिस पोजिशन पे जो हमारा नोट है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी नोट्स जो है वो डिस्प्ले होने लगेंगी। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब चलते हैं अपनी मेरी एक्टिविटी फाइल में, और यहाँ पे उस अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आर बी अडेप्टर अडेप्टर, ठीक है, और अडेप्टर इक्वल टू न्यू आर बी अडेप्टर, इसको पास करेंगे नोट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये तो हमने कुछ बनाया नहीं। हाँ, हम भूल चुके बनाना इसको। तो यहाँ पे आके एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं आर बी अडेप्टर करके, ताकि हम इसको हम लिस्ट पास करवाएं। तो आर बी अडेप्टर एरे लिस्ट नोट्स, नोट्स नहीं बेसिकली स्ट्रिंग, हमें एरे लिस्ट पास करिए जिसका नाम नोट्स है। और क्या करेंगे, दिस डॉट नोट्स इक्वल टू नोट्स। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये हमने इसको पास कर दी नोट्स, और नोट्स के लिए हमें एक एरे लिस्ट यहाँ पे बनानी होगी। तो एरे लिस्ट स्ट्रिंग, इसको नाम देता हूँ मैं नोट्स, मैंने इसको नाम दिया नोट्स। यहाँ पे आके इसको इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन इनिशियलाइज कर जब ही करेंगे जब वो पहले से नल होगी, वरना हर बार हमारी एप्लीकेशन जब भी इंस्टॉल होगी वो इनिशियलाइज ही करता रह जाएगा। तो नोट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो हमने अपने अडेप्टर को पास कर दिया अपनी एरे लिस्ट, हमारा अडेप्टर बन चुका है। अब इसमें अडेप्टर बेसिकली रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, कंटेक्स्ट में पास करेंगे दिस, और फिर आर वी डॉट सेट अडेप्टर अडेप्टर। तो ये काम हमारा हो चुका है, हमारा रिसाइकल भी क्रिएट हो चुका है, उसका अडेप्टर हमने क्रिएट कर लिया, उसमें हमने अपने नोट्स की एरे लिस्ट डिस्प्ले करा दी। अब आगे की बात जो हमारी है कि हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है जिसमें हमें ऐड नोट वाला बटन डालना है। तो चलिए वो भी जल्दी से कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे, रिसोर्स टाइप में आप सेट करेंगे मेन्यू, ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी ऐड हुई है मेन्यू करके। इस मेन्यू में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, पर मैं नाम दे रहा हूँ मेन्यू, क्लिक करेंगे फिर ओके पे। तो हमारी मेन्यू वाली जो रिसोर्स डॉट एग्जाम्पल है वो हमें मिल चुकी है। स्प्लिट व्यू में जाएंगे, अब आपको यहाँ क्या क्रिएट करना है, एक आइटम क्रिएट करनी है जो कि ऐड नोट वाला हमारी आइटम होगी। तो आइटम टाइटल मैं इसका देता हूँ, टाइटल हमें देना है ऐड नोट, और एक इसकी आईडी देंगे हम, आईडी हम इसको क्या दूंगा मैं इसको, ऐड नोट, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। हमारी आइटम क्रिएट हो चुकी है, ऐड नोट करेंगे। अब चलते हैं दोबारा से अपनी मेन एक्टिविटी जावा फाइल में, और यहाँ पे हम दो मेथड इंपोर्ट करेंगे।
पहला मेथड कौन सा रहेगा, वो होगा ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, मतलब जब हमने ऑप्शन मेन्यू क्रिएट की तो यह मेथड कॉल होगा। और दूसरा होगा ऑन आइटम क्लिक ऑप्शन मेन्यू, मतलब ऑप्शन मेन्यू की अगर हम किसी आइटम पे क्लिक करते हैं तो यह मेथड कॉल होगा हमारा। इस पहले मेथड में क्या करना है, हमें इसको एक मेन्यू का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, बेसिकली बुलियन रिटर्न करना है, रिटर्न तो हमें बुलियन करना है, पर मेन्यू ऑब्जेक्ट हमें यहाँ क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ लेआउट क्रिएट करने के लिए, लेआउट व्यू क्रिएट करने के लिए, जैसे आप याद होगा यहाँ पे हमने यूज़ किया था लेआउट इन्फिल्टर का, इसी तरह हमें मेन्यू क्रिएट करना है तो मेन्यू इन्फिल्टर का यूज़ करेंगे हम, मेन्यू इन्फिल्टर, नाम दे देता हूँ मैं इन्फिल्टर इक्वल टू न्यू मेन्यू इन्फिल्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्फिल्टर डॉट इन्फिलेट, मेन्यू की रिसोर्स फाइल देंगे जो कि आपकी अभी आपने क्रिएट करी है, रिसोर्स डॉट मेन्यू, रिसोर्स डॉट मेन्यू डॉट मेन्यू, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर आप पास करें इसको मेन्यू, जो आपको इसके पैरामीटर में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें इन्फिल्टर वाले में यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करना होता है, तो जिसे आप पास कर देंगे इन्फिल्टर डॉट इन्फिलेट मेन्यू कर दिया आपने, और इसको आप पास कर देंगे मेन्यू, ठीक है। आपको यहाँ पे एक काम करना है मेन्यू, बेसिकली इसी मेन्यू में इन्फिलेट कर देगा वो, तो हमारा मेन्यू क्रिएट हुआ, हमने मेन्यू क्रिएट करके यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड वाला मेथड इंप्लीमेंट करना है। ये मेथड जब कॉल होगा, जब आपकी कोई आइटम पे क्लिक किया जाएगा तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि किस आइटम पे क्लिक किया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इफ कंडीशन का यूज करेंगे, इफ एल्स का, इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, मतलब जिस आइटम पे क्लिक किया उसकी आईडी अगर इक्वल होती है रिसोर्स डॉट आईडी डॉट एड नोट के, एड नोट उसकी आईडी जो मैंने दी थी, तो अगर इसके इक्वल है तभी मेथड कॉल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, और अगर ये वाला कॉल हुई तो मैं कॉल कर दूंगा रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये काम मेरा हो चुका है। अब इस पे क्लिक करने पे हमें क्या करना है, हमें खोलनी एक नई एक्टिविटी जहाँ पे हम अपना नोट ऐड कर पाएंगे, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, हमारी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।